आजा। अरे कोई मसले की बात नहीं, इलाका अपना है। अबे पुलिस क्या, यहाँ तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। बस तेरा ही इंतजार है, आजा जल्दी आजा। अबे इसकी तो ऐसी की तैसी, यहाँ पे भी आ गए। ये लो अपनी चीजें, एक चोर ने पकड़ा जाता है। चल चाय पिला, चल। अरे अरे अरे, उठिए नहीं, लेट जाइए, जख्म गहरे हैं। मैं यहाँ कैसे आया? देखिए, हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था आपका एक हफ्ते पहले, तो मैं आपको उठा के लेकर आई थी, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, इसलिए मुझे किसी की हेल्प की नीड नहीं हुई। आप यहीं आराम कीजिए, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। आपको क्या लगता है? एक्सीडेंट भी हुआ है, गाड़ी भी है, ट्रक भी है, लेकिन दोनों के ड्राइवर नहीं है। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे जाने से पहले उन्हें कोई हॉस्पिटल ले गया। हाँ हो सकता है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन भी तो नहीं आई ना, कहीं से कोई कॉल आई, क्या करें, मालूमात करें फिर। चल पहले सामने वाले होटल में जाए। Thank you.
माँ। जी मिस्टर वामिक। जी मुझे वो पानी पीना था। जी मैं लेकर आती हूँ। मगर यहाँ मोबाइल के सिग्नल नहीं आते, इसलिए मैंने मोबाइल ही रखा हुआ। लैंडलाइन काफ़ी दिनों से ख़राब हुआ हुआ है। मैंने कंप्लेन की थी मगर कोई आया नहीं ठीक करने। आप एक काम करें, अपना नंबर मुझे दे दें, मैं मार्केट जाऊँगी तो पीसीओ से कॉल कर दूँगी। हाँ ये ठीक, थैंक्स। मैं आपका ये एहसान कैसे क्यों नहीं आया? आपने कॉल तो की थी ना? जी हाँ, आपको कोई शक? नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपका इतना बड़ा एहसान है, वो एहसान मैं कैसे उतारूं? आप सच में एहसान उतारना चाहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। हम जो मांगेंगे आप हमें देंगे? आप एक बार मांग के तो देखें। अगर कुछ ज्यादा मांग लिया तो? पापा मैं वादा करता हूँ आप एक बार मांग के देखें, नहीं कर पाया तो मुझे जीने का कोई हक ही नहीं। आप हमारे लिए एक नॉवेल लिखेंगे? जी जी, हमारे लिए एक नॉवेल जिसमें सिर्फ हमारी बातें हों, जो सिर्फ हमारे लिए हो, जो सिर्फ आप हमें ही सुनाएं, और जिसमें किसी और का जिक्र भी ना हो, सिर्फ हमारे लिए आप लिखें। मैं अभी सामान लेकर आती हूँ। अभी? जी मैं घर जाके आराम से लिखूंगा। नहीं नहीं नहीं, घर जाने के बाद आपको कहाँ याद रहेगा? माँ, उमा, उमा, उमा,
है तुमने मेरा मोबाइल? बोलो क्यों नहीं बोल रहे हो? जाओ तुम यहाँ से, मैं बताती हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती ठीक से। देखो क्या हो गया, मैंने मना किया था ना कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। अरे ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, ये देखो तुम्हारे लिए, ये भी तुम्हारे लिए, ये लो। अब तुम नॉवेल लिखो, और जब तक तुम नॉवेल नहीं लिख लेते तुम यहाँ से नहीं जा सकते, और अगर तुमने जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी मैंने बचाई है और इस पे हक भी सिर्फ मेरा है। तुमने अब तक कुछ नहीं लिखा? देखो जितनी जल्दी लिखोगे उतनी जल्दी घर जा सकोगे। मैं नहीं लिखूंगा। तो ठीक है मत लिखो, फिर रहना यहाँ सारी जिंदगी मेरे साथ। मैं नाश्ता लगा रही हूँ, बाहर आके नाश्ता कर लो। मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ से। If you like this video, comment on the video, like the video, share the video, and don't forget subscribe the channel and press the bell icon for the fastest notification. Thank you.